अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी कॉफ़ी की रेसिपी। ब्रेकफास्ट में आप कॉफ़ी बनाएं या दिन में बनाएं या रात में बनाएं, जब भी आपका दिल चाहे तो आप नाश्ते में भी ले सकते हैं और रात में भी ले सकते हैं। तो आजकल ठंडा मौसम है, कॉफ़ी पीने को दिल भी चाहता है, तो इसके लिए हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून कॉफ़ी में ले लूँगी, ठीक है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया, देन अब मैं 2 टेबल स्पून लूँगी, ये मैंने ले ली, ठीक है, क्योंकि मैं 2 कप कॉफ़ी बना रही हूँ। इससे ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बन जाएगी, 1 और कप भी बन जाएगा कॉफ़ी का, मतलब 3 कप्स आराम से बन सकते हैं इससे, इस क्वांटिटी से। ये बीच में मैंने इसमें शुगर ऐड कर ली, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप शुगर ऐड कर लें। मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने शुगर के ऐड किए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जो कड़वापन आ रहा था ना कॉफ़ी में, वो मुझे पसंद नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको अच्छा सा बीट कर लूँगी, ठीक है। आप बीटर यूज़ करें, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी जो है ना मज़ेदार सी कॉफ़ी बनती है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बीट हो गई है, कॉफ़ी से ही कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी है ये, जो कैफ़े में आप जाएँ बाहर आपको मतलब कॉफ़ी शॉप्स में मिलती है कॉफ़ी, बिल्कुल ये वैसी ही बनेगी, ठीक है। तो ये हमारी कितनी अच्छी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कप में इसको डाल लेंगे, ठीक है। दोनों कप्स में मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल लूँगी, जितनी जितनी मुझे नीड होगी इसकी। तो मैं इसमें मैंने देखें ये डाल दी कॉफ़ी, ठीक है, 3 टेबल स्पून जो है 2 टेबल स्पून एक कप में डाली है और 2 टेबल स्पून मैं दूसरे कप में डाल रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी है, और जो है इसमें थोड़ी सी फिर मैं और ऐड करूँगी, ठीक है, 1 टेबल स्पून, मतलब 3 टेबल स्पून मैंने पहले एक कप में 3 डाली, देन 4th, और उसमें भी 4th, ठीक है। तो मैंने 4 टेबल स्पून जो हैं भर के उसमें कप्स में डाल लिए हैं इसके। और इधर मैंने दूध भी बॉईल कर लिया है, सही उबलता हुआ दूध जो है ना आपने इसमें ऐड करना है, तो ही मज़ा आता है, ठीक है। तो ये मैं इसमें दूध पोर कर लूँगी दोनों कप्स में, और आप साउंड चेक करें क्या साउंड आ रही है, कितनी सेटिस्फाइंग है, ठीक है। तो सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है कॉफ़ी पीने का, आप भी बनाएं मेरी रेसिपी से और इन्जॉय करें, बहुत आसान है, और आप घर पे बनाएं इन्जॉय करें, बनिस्पत ये कि बाहर जाएं कैफ़े से पिएं शॉप से पिएं, तो उससे बेहतर है कि आप घर पे आसानी से बनाएं और मज़े से इन्जॉय करें। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे स्पून के साथ। ये देखें कितनी अच्छी ऊपर जो है ना ऐसे वो बनी है झाग झाग सी, जैसे बाहर कैफ़ेज़ में मिलती है ना, ऐसी ज़बरदस्त कॉफ़ी हमारी बनी है। लेकिन इसके लिए आपको बीटर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से अगर मतलब फॉक की मदद से अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपका हाथ थक जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें। गुड, ज़बरदस्त बनी है कॉफ़ी, आप भी पिए इन्जॉय करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 2nd चीज़ की तरफ। मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, ठीक है। नाश्ते में आप कॉफ़ी बनाएं साथ बनाएं फ्रेंच टोस्ट, आहा क्या मज़ा आ जाए नाश्ते का। तो जो है सर्दियों में मैं तो वैसे ही जो है ना ट्राई करती रहती हूँ नई नई चीज़ें, जैसे फ्रेंच टोस्ट बना लिए, पैन केक्स बना लिए विद हनी, हनी डाल के, तो बहुत मज़ा आता है सर्दियों में नाश्ते का। तो ये मैंने इसमें क्या किया कि अंडा बीट किए, 2 अंडे मैंने इसमें डाले थे कि एक अंडा आई थिंक डाला था, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, बच्चे मेरे ख़ास शौक से ये नहीं खाते मीठे जो होते हैं, इसलिए। तो मैंने इसमें एग बीट किया, एग बीट करने के बाद मैंने इसमें जो है शुगर ऐड कर ली, शुगर मैं ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मीठे ही तो मज़े के लगते हैं ये, फिर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया, ठीक है। इसको मैं अच्छा सा फॉक की हेल्प से जो है मैं इसको अच्छे से जो है इस बैटर को मिक्सअप कर लूँगी, ताकि दूध और शुगर और एग जो है वो आपस में कम्बाइन हो जाए, ठीक है। ये देखें जो है ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, और दूसरी तरफ हम जो है चूल्हे पे रख लेंगे तवा, और उस पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, जिसमें अच्छे से फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो हमारे पक जाएं। तो हम ऑयल गरम करने के लिए तवे पे रख देंगे, इधर हम इतनी देर में जो है ये अपना मिक्सचर रेडी कर लेंगे, ठीक है। मैंने थोड़ी सी शुगर और ऐड की थी, क्योंकि मुझे जो है ज़रा शुगरी से मतलब मीठे मीठे से अच्छे लगता, ठीक है।
स्वीट ही जो होते हैं, तो ज़ाहिर है मीठा हो और उसमें चीनी ज़्यादा ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता मीठे का। अच्छा जी, अब इसमें मैं करूँगी ब्रेड को डिप, और मज़ेदार से जो है इसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हम इसको इस बैटर को ब्रेड पे लगा लेंगे। और लगाने के बाद अब हम इसको बहुत एहतियात के साथ इसको तवे पे रख देंगे ताकि ब्रेड टूटे ना। तो ये हमने ऑयल में इसको डाल दिया, अब ये जो है फ्राई हो रही है। ठीक है, ये देखें हमारे मज़ेदार से फ्रेंच टोस्ट तैयार हैं। आप भी ब्रेकफास्ट में बनाएं, एंजॉय करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।